तो दोस्तों स्वागत है यार, आज हम करने वाले हैं टाइटन कनेक्टेड, जो कि एक एनालॉग स्मार्ट वॉच है, उसका रिव्यू करेंगे। तो यार बहुत ही बेहतरीन ये वॉच है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और इसकी प्राइसिंग वगैरह सारी चीज़ें, इसके जो अमेजिंग फीचर्स हैं वो सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, जिससे आप इसके सारे बेहतरीन फीचर्स को जान पाएं। और अब शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सबसे पहले तो दोस्तों बॉक्स सिंपल सा ऐसा है, टाइटन का जो रेगुलर वॉच इसका आता है उस हिसाब से। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिल जाती हैं, जो भी इसके फीचर्स वगैरह हैं। और दोस्तों यहाँ पर इसका जो हमारा एक तरीके से लुक है वो हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर पीछे और भी कुछ फीचर्स हैं जो अच्छे तरीके से बताए हुए क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो देखते रहिए आप। दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ ये है कि iOS और Android दोनों के साथ कॉम्पेटेबल है, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अगर आपके पास Apple है तो भाई आप ये ना लें, तब भी आप ये ले सकते हैं। बहुत अमेजिंग वॉच है। सबसे पहले मैं इसको खोल देता हूँ और दिखाता हूँ भाई इसकी क्या कमाल चीज़ है, जो मैं जब से आप बोले जा रहा हूँ। तो भाई क्लासिक सा हमारा टाइटन का जो बॉक्स है वो यहाँ हमें देखने को मिल जाता है। इसको मैं जल्दी से खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर भाई हमारा जो असली चीज है, जो बेहतरीन है, वो यहाँ हमें देखने को मिल जाती है। क्लासिक लुक है यार दोस्तों, आप देख सकते हैं, देखने में ही जो एक होता है ना, मतलब एक आई कैचिंग टाइप का वैसा बना हुआ डिजाइन और फिनिश जो है वो भी काफी बेहतरीन है। यार यहाँ पर मैं अपनी वॉच को सबसे पहले निकाल लेता हूँ। तो यार यहाँ पर जो है वॉच निकल चुकी है, इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। सबसे पहले अंदर की जो चीज़ें हैं उनके मैं बारे में बात करता हूँ। तो यार यहाँ पर जो है हमारा चार्जिंग का छोटा सा एक केस है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा केस है। इसका भी आपको बताऊँगा किस तरीके से हमें चार्जिंग करनी है, बहुत ही अच्छी है। और काफ़ी नए नए फीचर्स हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर है एक छोटी सी USB जो कि हमको हेल्प करने वाली है इसको चार्ज करने के लिए। भाई यहाँ पर एक और कमाल चीज़ है जो काफ़ी वॉचेस में मुझे देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर टाइटन ने हमें दिया है, जो कि एक एक्स्ट्रा हमारा एक रिस्ट का जो बैंड होता है वो हमें यहाँ देखने को मिला है। दोस्तों यहाँ पर ये जो है सिलिकॉन का बना हुआ एक्स्ट्रा स्ट्रैप है, जो कि काफ़ी अच्छी स्मूथ एक फिनिश में हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो वॉच के साथ आता है वो है यार मेटेलिक बना हुआ मैग्नेटिक रिस्ट का जो हमारा बैंड होता है, जो काफ़ी यार बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ मैग्नेट देखने को मिल जाती है। और इसका एक कमाल का फीचर है, आप देखिए इसे आसानी से चिपका सकते हैं, यहाँ पर बहुत इजीली ये चिपक जाता है। यार वो कोई टेंशन नहीं है ना कि हम लगाते थे यार इसमें ऐसे करके लगाते हैं सारा ड्रामा करते हैं, वो करने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ये चीज़ सोचें भाई कि मैग्नेट है तो खुल जाएगा, हमारी घड़ी नीचे गिर जाएगी, बड़ी दिक्कत होगी, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं यार, जो इसकी पावर है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे से ये स्टिक हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने आसानी से हो गया। और अब आप देख सकते हैं, ये देखिए जो हमें टाइटन का भाई प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ और वॉच जो है आपको जल्दी से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर है कुछ मैनुअल्स और जो गारंटी कार्ड वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ मिल जाती हैं। तो अब मैं जो आपको मेन वॉच दिखा देता हूँ, तो भाई ये रही कमाल चीज़ जो भाई जिसके बारे में आप सब लोग वेट कर रहे थे। अब यार यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी जो हमारी वॉच है मैं उसको बाहर निकाल लेता हूँ। अब दोस्तों इसे सबसे पहले मैं ऑन करके दिखाने से पहले आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि यहाँ पर आपको फिनिश देखने को मिल सकती है यार, वो कितनी बेहतरीन है, कितनी क्लासिक लगेगी अगर आप इसे हाथ में पहनते हैं तो। अब इसके बाद इसे ऑन करके जो इसका डिजिटल कमाल है, सारी चीज़ें वो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ अब आप देख सकते हैं जो हमारी वॉच है वो चार्जिंग लेना स्टार्ट कर रही है। तो इसे चार्ज कैसे करना है यार, सिंपल ये जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये छोटा सा कूलर में मिल जाता है, इसे आपको सिंपल USB वाला जो चार्जर टाइप होता है उसे कनेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर अपनी जो वॉच है सिंपल उसे यहाँ प्लेस कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। दोस्तों यहाँ पर मैंने चार्जिंग की बात करी है, तो भाई इसके बैटरी बैकअप के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ क्या कमाल है। तो यार यहाँ पर अगर हम इस वॉच को एक घंटा चार्ज कर लेते हैं तो यार ये 3 से 4 दिन आराम से चल सकती है, जिसमें कि हम सारे फंक्शन इसके यूज़ कर सकते हैं, जो कि हैं भाई कैलेंडर है, ईमेल है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें इसमें मिल जाती हैं वो सब हम इजीली यूज़ कर सकते हैं केवल एक घंटे की चार्जिंग में। एंड अगर बाई चांस आपकी भाई वो चार्जिंग खत्म हो गई, आपके वो ऐप्स वगैरह नहीं चल रहे, तो लेकिन ये चीज़ बहुत कमाल है कि जो हमारी एनालॉग वॉच है वो हमें टाइम ज़रूर दिखाती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई वॉच भी बंद हो जाएगी और हमें टाइम देखने को नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ चलती रहेगी। तो यार यहाँ पर एक कमाल चीज़ ये कि 1 महीने तक चलती रहेगी हमारी एनालॉग 1 घंटे की चार्जिंग में, बहुत ही कमाल चीज़ है। हो सकता है आपको ये चीज़ सुन के विश्वास ना हो, बट यार सच में ये चीज़ बिल्कुल सच है, क्योंकि ऐसा मैंने खुद ट्राई करा है। 1 महीना तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों मैंने ट्राई करा और हमारी जो वॉच थी यार वो बैटरी उसकी ख़त्म नहीं हुई, एनालॉग मेरी चलती रही। हालांकि जो ऐप्स वगैरह थे वो सब चीज़ें बंद हो गई, बट एनालॉग मेरी चलती रही थी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो है इसके फीचर्स के बारे में बता देता हूँ भाई क्या कमाल इसके फीचर्स हमें यहाँ मिल जाते हैं।
यार यहाँ पर हमको मिल जाता है एक्टिविटी ट्रैकिंग, जो कि हमारे स्टेप्स वगैरह होते हैं वो सब हो जाते हैं ट्रैक, उसके साथ कैलोरीज और कितना डिस्टेंस हमने चला और कितने टाइम हम एक्टिव रहे, ये सारी चीज़ें इसमें ट्रैक हो जाती हैं। और दोस्तों स्लीप ट्रैकिंग भी इसमें हो जाती है कि भाई कितनी देर आप सोए हैं, वो सारी चीज़ें भी पता लग जाएंगी। तो यार काफ़ी कमाल चीज़ें हैं। और भी चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ, यार यहाँ पर जो हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशन आती हैं उस टाइप से यहाँ पर हमें इस वॉच में भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगी। जैसे कि हमारे टेक्स्ट आते हैं, कोई सोशल मीडिया पे कोई मैसेज वगैरह करता है, मैसेंजर वगैरह, इन सब चीज़ों पर ईमेल्स होते हैं, और कैलेंडर इवेंट्स वगैरह, यानी कि कोई भी कैलेंडर का हमारा इवेंट है जो आने वाला, तो उस सब चीज़ों की नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो एक तरीके से बिना अपने फ़ोन को छुए आप अपडेट रह सकते हैं क्या चल रहा है आपके आसपास और क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है यार हार्ट रेट मॉनिटर, जो कि ट्रैक करता है कि भाई हाई एंड लो हार्ट रेट, जिसके वो अलर्ट्स भी हमें देता रहेगा कि बाई चांस अगर आप का जो हार्ट रेट है वो अप डाउन हो रहा है या लो हो रहा है हाई हो रहा है, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा कुछ होता है तो इस चीज़ का भी हमको अलर्ट दे देगा। तो भाई एक तरीके से डॉक्टर का भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ये भी एक चीज़ काफ़ी अच्छी है। यार यहाँ पर हमें 5 डे वेदर फॉरकास्ट मिल जाता है, जिसमें हमें जो भी आगे के 5 दिन के वेदर का फॉरकास्ट है वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो आपको काफ़ी अच्छे से अपडेट रखेगा, ये इसकी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें फाइंड माय फोन का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाई चांस आपका फ़ोन खो जाता है तो यहाँ पर आपके फ़ोन की जो एक्टिविटी और जो कि करंट लोकेशन है वो आपको यहाँ ये बता देगा, तो आपको करंट लोकेशन मिल जाएगी, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है अपने फ़ोन को ढूंढने में। तो यार ये कुछ एक ओवरव्यू है दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं और कुछ फीचर्स की बात करूँ, जो कि ये एनालॉग है ही, आपको पता ही है एनालॉग प्लस स्मार्ट वॉच, उसी के साथ आपको कलर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा टच स्क्रीन है, सिंपल सी चीज़ अब आपको पता ही होगी। उसके अलावा हमारे पास कैमरा कंट्रोल भी यहाँ मिल जाएगा हमको इसी वॉच से, और सबसे बढ़िया बात है भाई वाटर रेजिस्टेंट है, तो कोई टेंशन की बात नहीं कि भाई ख़राब हो जाएगी स्मार्ट वॉच, ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यार यहाँ पर ये कुछ इसके कमाल फीचर्स हैं। लुक इसकी आपने देख ली कितनी बढ़िया है, और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको इसकी बता दी है। तो आई होप यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वॉच भी आपको पसंद आई होगी। अब यहाँ पर इसके बाद मैं बात करता हूँ इसकी प्राइसिंग की, भाई प्राइस क्या है। तो दोस्तों इसका प्राइस मैं सबसे पहले आपको इसकी MRP बता देता हूँ, जो कि इस पर प्रिंटेड है वो है 12,000 की MRP। अब इसके अलावा बात करते हैं मैंने कितने में खरीदी थी, क्या था इसका हिसाब। तो यार सबसे पहली बात, ये जो मेरे को मिली है अराउंड 8,000 में मिली थी, और ये मैंने दिवाली सेल में खरीदा था, तब मेरे को काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिला था, इसलिए मुझे 8,000 की पड़ी। बट अब मैं नहीं कह सकता इसका रेट वैरी होगा, मे बी अब क्योंकि दिवाली सेल ओवर हो चुकी है, तो ही हो सकता है आपको 10,000, 11,000 या 12,000 तक की भी पड़े, तो ये चीज़ जो है आप देखने वाली होगी। हालांकि प्राइस मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, फीचर्स इसके बता दिए हैं, नाम तो आपको पता ही है भाई। दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो की है सर्टिफिकेट ऑफ वारंटी, वो हमें इसी बॉक्स के साथ मिल जाती है। यहाँ पर ये जो है मैंने शॉपर स्टॉप से खरीदा था, तो उसके साथ मेरे को यहाँ पर ये मिल गई उसकी सर्टिफिकेट ऑफ वारंटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप खरीदें तो ये चीज़ आपको ज़रूर चेक करनी है, और यहाँ पर डेट वगैरह सारी चीज़ें ज़रूर याद से डलवा लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके बाद यार सारी बातें खत्म हो चुकी हैं, तो आई होप वीडियो को भी आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं करा तो जल्दी से अभी कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको ये कैसी लगी वॉच, क्या फीचर्स थे और कैसा आपको सारा ओवरऑल लगा। दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बी हैप्पी, बी टेकी।